देखो ये जो हम लोगों ने कल यहाँ तक समझा था, स्पीकर रिंगर माइक मैंने सर्किट बना करके छोड़ दिया था। आज मैं इसको पूरा चेक करना बताता हूँ। सबसे पहली बात, क्या कोई भी मोबाइल फोन आता है जिस मोबाइल फोन में कस्टमर ये कहता है कि मेरे मोबाइल फोन में स्पीकर नहीं काम कर रहा है? स्पीकर का मतलब होता है जो ऊपर लगा होता है, जो बात करने वाला लगा होता है, उसको हम लोग ईयर स्पीकर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर स्पीकर बोलते हैं। जो मोबाइल फोन में गाने बजते हैं, सॉन्ग म्यूजिक लाउड स्पीकर जहां से आवाज आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंगर बोलते हैं। जो हाई हेलो करने पर हमारी आवाज दूसरी तरफ भेजता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक बोलते हैं। तो आपके मोबाइल फोन में स्पीकर अलग होता है, रिंगर अलग होता है, माइक अलग होता है। स्पीकर, माइक, रिंगर, तीनों चीजें अलग अलग लगी होती हैं। और जो कीपैड मोबाइल फोन आते हैं, उसमें कई बार ऐसा देखा गया है, सैमसंग के मोबाइल फोन में ऐसा पाया जाता है कि स्पीकर रिंगर एक हो जाता है। स्पीकर रिंगर क्या होता है? एक हो जाता है, और माइक तो अलग होता ही है। अच्छा, माइक के लिए क्या यूज हो जाता है? माइक दो यूज हो जाते हैं। एक तो तुम्हारा माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए यूज होता है, जो ऊपर लगा होता है, और जो नीचे वाला लगा होता है वो कॉलिंग वाला मेन माइक होता है। यदि कोई भी मोबाइल फोन आ रहा है, उस मोबाइल फोन में कस्टमर कह रहा है बात नहीं हो रही है, या गाने नहीं बज रहे हैं, सॉन्ग म्यूजिक लाउड स्पीकर नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब है आपके मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर माइक की समस्या है। उसको हमको क्या करना है? चेक करना है। सबसे पहली बात, आप चेक कैसे करेंगे? चेक करने का पहला तरीका, आप मोबाइल फोन खोलने से पहले आप उसकी वॉल्यूम सेटिंग चेक करें। क्या करेंगे? वॉल्यूम सेटिंग चेक करेंगे। वॉल्यूम सेटिंग चेक करने का मतलब होता है, मोबाइल फोन खोले, वॉल्यूम सेटिंग का मतलब जो मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर रिंगर जो लगा होता है, उसका जो आवाज बढ़ाने घटाने वाला जो अंदर फीचर होता है, उसको कम करें। अच्छा, कई बार देखा है कि लोग वॉल्यूम कॉलिंग वाली वॉल्यूम बंद हो जाती है तो बात करने में आवाज कम आती है, नहीं आने लगती है, वो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो भी नहीं पता चलता। कॉलिंग के वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप मोबाइल फोन में डायरेक्ट ऐसे बढ़ाओगे तो ये रिंगर की वॉल्यूम बढ़ती है। अगर आपको कॉलिंग की वॉल्यूम बढ़ानी है तो आपको किसी नंबर पे आपको कॉल मिलाना पड़ेगा। जब आप ऐसे कॉल मिलाएंगे, कॉल मिलाने के बाद जब आप आवाज बढ़ाएंगे, तब ये कॉलिंग की वॉल्यूम बढ़ते हैं ऊपर वाले के। तो आप मोबाइल फोन में क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन सैमसंग का मोबाइल फोन आता है, उसमें अगर चेक करना चाहते हो तो सैमसंग के मोबाइल फोन में कोड भी आता है। देखो, स्टार है, जीरो स्टार है, ये तो खुल जाता है। इसमें से अगर आपको स्पीकर चेक करना है तो आप स्पीकर में ऐसे क्लिक करते हैं, तो इससे आप स्पीकर को चेक कर सकते हैं। ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसीवर में आवाज आती है, जिससे पता चल जाता है कि हमारा रिसीवर सही है कि नहीं सही है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, अंदर सेटिंग में जाके आवाज को घटा बढ़ा के देख सकते हो, तो भी इस काम को कर सकते हो। हाँ, स्टार है, जीरो स्टार है, सैमसंग के फोन में चेक करने के लिए दिया होता है। अगर फिर भी दिक्कत है, आवाज बढ़ा के देख लिया फिर भी नहीं काम कर रहा है, अब आपको मोबाइल फोन खोलिए। सबसे पहला काम है स्पीकर रिंगर के ऊपर जो जाली लगी होती है इनको साफ करिए। ये जाली अगर बैठ जाती है, इनमें डस्ट मॉइस्चर आ जाता है, तो बिल्कुल चिपक जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी आवाज बाहर निकलना बंद हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन खोलते हैं। मोबाइल फोन खोलने के बाद जो हमारा स्पीकर रिंगर की जो जाली होती है, उस जाली को क्या करते हैं? साफ करते हैं। जब स्पीकर रिंगर के जाली को साफ कर लेंगे, साफ करने के बाद फिर भी आवाज नहीं आती, तो हम लोग स्पीकर रिंगर की टेस्टिंग करते हैं। इधर समझो, स्पीकर रिंगर को क्या करेंगे? चेक करेंगे। जब स्पीकर रिंगर को चेक करेंगे तो स्पीकर रिंगर की टेस्टिंग होती है, बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। एंड्रॉयड मोबाइल फोन में जो माइक होता है, उस माइक को हम लोग चेक नहीं कर सकते, चार पिन वाले को, उसमें खराबी होती है तो माइक रीचेंज करना पड़ेगा, या माइक खराब हो जाता है तो माइक की वजह से हमारी आवाज दूसरी तरफ जाना बंद हो जाती है, तो हम लोग माइक को चेंज भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने स्पीकर रिंगर को साफ कर लिया, स्पीकर रिंगर खराब था उसको नया डाल दिया, उसके बावजूद भी आवाज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हमारे मदरबोर्ड में। कई बार फोन में ऐसा भी दिक्कत आता है कि स्पीकर रिंगर माइक तीनों चीजें बंद हो जाती हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर माइक तीनों चीजें बंद हो जाती हैं, तो इसका मतलब है आपके मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर माइक की समस्या नहीं है, आपके मोबाइल फोन में हेडफोन की समस्या है। कई बार फोन में हेडफोन का सिंबल बन जाता है, तो हेडफोन का सिंबल बन करके आने से मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर सब बंद हो जाते हैं। जब उसको फोन को लाउड स्पीकर में करोगे तो आवाज आएगी, नहीं तो आवाज नहीं आएगी। तो आप मोबाइल फोन खोलिए, स्पीकर रिंगर को साफ करिए, आवाज बढ़ा के देखिए, फिर भी आवाज नहीं आ रही। अब बारी आती है मदरबोर्ड चेक करने की। मदरबोर्ड कैसे चेक करेंगे? मोबाइल फोन में क्या रहता है, मदरबोर्ड चेक करने के लिए जितने सारे लोग हैं, मदरबोर्ड में क्या होता है, जो ऊपर ईयर स्पीकर होता है उसमें से दो पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? अब स्पीकर रिंगर को चेक कर लिया, दोनों पॉइंट को चेक करेंगे, दोनों पॉइंट को यहां पर चेक करेंगे, तो यहां पर चेक करने पर आपको जीआर वैल्यू मिलेगी।
ये जीआर वैल्यू जो होती है 300 से लेकर के समथिंग 600 होती है। कितनी होती है? 300 से लेकर के 600 जीआर वैल्यू मिलती है। अगर जीआर वैल्यू मिलती है, जीआर वैल्यू से ये पता चलता है कि आपका जो इसकी कनेक्टिविटी है वो आपकी आईसी तक है। अगर जीआर वैल्यू नहीं मिलता तो इसका मतलब होता है इसकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, आईसी तक नहीं है, क्योंकि वैल्यू कहाँ की आ रही होती है? आईसी की वैल्यू आ रही होती है। आईसी की वैल्यू यहाँ से होते हुए कॉइल स्पीकर रिंगर से फिल्टर होते हुए आपके मोबाइल फोन में स्पीकर के पॉइंट तक पहुँचती है। अगर स्पीकर में आपने चेक किया एक पॉइंट पर वैल्यू आ रही है, एक पॉइंट पर वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब होता है एक लाइन सही है, दूसरा लाइन खराब हो गया है। अगर दूसरा लाइन खराब हो गया तो आप क्या करेंगे, इसके लाइन में पहले कॉइल को कैपेसिटर को चेक करेंगे, जो कॉइल खराब होगी उस कॉइल को हटा करके आप जंपर मार देंगे, लाइन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, कॉइल पे जंपर चलता है, नॉर्मल कॉइल लगी होती है। तो यहाँ पर हम लोग स्पीकर रिंगर के ट्रैक को चेक करेंगे, इसके ट्रैक में क्या लगी होती है? कॉइल लगी होती है। अगर कॉइल खराब होती है तो कॉइल को हटा के हम लोग क्या कर देते हैं? जंपर मार देते हैं, सर्किट हमारा ओके हो जाता है, स्पीकर रिंगर काम करना चालू हो जाता है। इसके लिए आप सिमेटिक से देखना चाहते हो तो सिमेटिक से भी देख सकते हो, उसमें भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस आपको दिखाई देता है। तो आपने ईयर स्पीकर को चेक कर लिया। अब बात आती है आपके मोबाइल फोन में ईयर स्पीकर तो काम कर रहा है, बात हो रही है, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन मोबाइल फोन में रिंगर नहीं काम कर रहा है। रिंगर का मतलब होता है जो आपके मोबाइल फोन में गाने बजते हैं, सॉन्ग, म्यूजिक, लाउड स्पीकर, जो सारी चीजें बजती हैं, उनमें से आवाज नहीं आती। इस रिंगर में गाने में आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके गाने में आवाज आना बंद हो जाती है तो आप क्या करेंगे, मोबाइल फोन में से रिंगर को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? रिंगर को चेक करते हैं। रिंगर का टेस्टिंग क्या होता है? बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन में ऐसा भी खेल होता है, रिंगर के लिए पूरा रिंगर डब्बी भी आता है। क्या आता है? रिंगर के लिए नीचे का पूरा डब्बी भी आता है, ऐसे ये पूरा डब्बी आता है। जब पूरा डब्बी आता है तो पूरा डब्बी के डब्बी बदल देते हैं। अच्छा, डब्बी में खोल करके आप स्पीकर दूसरा फिट करोगे तो भी आवाज बेहतर अच्छी नहीं होगी। क्यों अच्छी नहीं होगी? क्योंकि वो आवाज अच्छी देगा नहीं, क्योंकि ऐसे पैक होता ना, इसलिए अच्छी आवाज आती है। अब आप क्या करेंगे, इसका ट्रैक चेक करेंगे। ट्रैक कैसे चेक करेंगे? स्पीकर में दो टिप्स होते हैं। कितने टिप्स होते हैं? दोनों टिप्स में चेक करेंगे तो दोनों टिप्स में चेक करने पर इसमें भी सेम 300 से लेकर 600 जीआर वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर चेक करने पर 300-600 जीआर वैल्यू मिलती है तो दोनों ट्रैक सही है। अगर जीआर वैल्यू नहीं मिलती तो लाइन हमारा खराब है, लाइन हाँ दोनों पर वैल्यू आएगा। जैसे मान लो 370 इस पे आई तो 377 इस पे भी आएगी, दोनों वैल्यू है। दोनों अलग अलग ट्रैक है, दोनों को अगर आपस में चेक करेंगे तो बीप नहीं देंगे। दोनों अलग अलग ट्रैक है लेकिन दोनों में चेक करने पर क्या आएगी? वैल्यू आएगी। हाँ, प्लस माइनस होता है, लेकिन इसमें उल्टा सीधा लगा तो दोनों तरफ से चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पर चेक करते हो तो यहाँ पर चेक करने पर क्या होता है? वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू आती है? 300 लेकर 600। अगर वैल्यू आती है तो ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आती तो ट्रैक हमारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या ट्रैक खराब हो जाता है? इसके लाइन में जो कॉइल लगी होती है उसको चेक करना होता है। कॉइल